वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल है। सो गाइज, फाइनली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेप ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड, यानी कि आपके जो मोलिकुलर होते हैं उनके यौगिक जो होते हैं, ठीक है, कंपाउंड जिनको आप इंग्लिश में बोलते हो, उनकी शेप यानी कि आकृतियाँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पिछली बार हमने पूछा था तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर ये जो टेबल्स होती है शेप साइज की, हमारे जो यौगिक है उनकी जो आकृतियाँ होती हैं उनकी टेबल हमको बता दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर पहले आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, जल की, अमोनिया की, एसिटिलीन की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। सो गाइज, इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए जिसका डिस्कस अभी मैं आपको बताऊंगा, वो टेबल सारे अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले इसका आंसर दे दो आप, उसके बाद सारी टेबल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट आए थे सर हमको वो टेबल चाहिए, तो मैंने बोला ना कि कमेंट आएंगे तो 100% मैं आपको कोई भी चीज़ अवेलेबल कराने को तैयार हूँ। तो लगा दिया होगा टीका आपने सही पे। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। सो इसी प्रकार आपको जल की पता होना चाहिए, अमोनिया की पता होनी चाहिए, एसिटिलीन की पता होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना कोई भी। सो आज आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो किस प्रकार से होगी चतुष्फलकीय, तो आपको वो टेबल पता होना चाहिए। तो चलिए टेबल में आपको दिखा देता हूँ और अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। तो चलिए उस टेबल को हम देख लेते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं आपको लेके आ चुका हूँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। ये जो टेबल आप नीचे देख पा रहे होंगे, सब कुछ प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो 100% बनेगा यहाँ से, ठीक है। शेप तो पूछी जाती है आपकी कंपाउंड की, शेप मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो होते हैं उनकी शेप तो पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लुईस स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड पे काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमेन, इनके बारे में बेसिक डिटेल यहाँ पर ऊपर दी हुई है, ठीक है। कोई भी समझ में नहीं आए तो यहाँ ऊपर रीड कर सकते हो आप। और इसके बाद जो ये टेबल है, ये देखिए ये टेबल अच्छे से दिख रहा है ना। ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन सेंटर दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन के डोमेन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। सेकेंड नंबर पर इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री और नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्डिंग ऑफ द सेंटर एटॉम शेप मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। बाउंडिंग एंगल भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगर आपसे बाउंडिंग एंगल पूछ रहे तो भी आपको बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेबल में शो किया हुआ है और एग्जांपल, ठीक है। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको याद रखना है, कितना सिंपल है गाइस। तो चलिए कैसे याद रखना है आपको, थोड़ा सा इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, बी ई सी एल टू सी ओ टू एच सी एन सी टू एच टू वी ई एफ टू एन ओ टू प्लस। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए, कोई भी मॉलिक्यूल आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी यौगिक आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको ये पिक्चर का पता है ना इसका सारा फंडामेंटल, तो इजीली आप कर दोगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी आकृतियाँ यहाँ पर देख सकते हो शेप क्या होती है। तो यहाँ पर लाइनर दिया हुआ है, यानी कि बी ई सी एल टू सी ओ टू एच सी एन सी टू एच फाइव एच टू बी ई एफ टू और एन ओ टू प्लस, इनकी जो शेप होती है वो लाइनर होती है इन इनकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और इनका बाउंडिंग एंगल 180 होता है, ठीक है, बाउंडिंग एंगल 180 डिग्री, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोमेंशन ज्योमेट्री लाइनर होती है। नंबर ऑफ चार्ज सेंटर 2 होता है, ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। नंबर ऑफ नॉन बाउंडिंग पेयर अराउंड सेंट्रल एटॉम 0, ठीक है, 0। तो आपको सिंपल से याद रखना है इसकी शेप कैसी होती है, लाइनर होती है। अगला है आपके सामने बी एफ थ्री बी सी एल थ्री सी टू एच फाइव सी ओ थ्री टू माइनस एन ओ थ्री माइनस सी एच थ्री प्लस। तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो इसकी शेप कैसे होती है, ट्राइगोनल प्लेनर इनकी शेप होती है, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। और बाउंडिंग एंगल देख सकते हो 120 होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नॉन बाउंडिंग यहाँ पर देख सकते हो और इलेक्ट्रॉन डोमेंशन ज्योमेट्री यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है गाइज।
अगला है आपके सामने, अगला जो है O3 SO2 बहुत आर वन सेम, यानी कि इनके जो शेप होते हैं कैसे होते हैं, बेंट होती है, ठीक है, और इनका बाउंडिंग एंगल लेस देन होता है 120 से, ठीक है। और चलते आगे, एक और हमारा जो CH4 है ना, उसकी शेप कैसे होती है, CH4 की जो शेप है वो होती है टेट्राहेड्रल, ये आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल, और इनका बाउंडिंग एंगल 109.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट NH3CH3-, ठीक है, तो थोड़ा सा NH3CH3- को थोड़ा सा याद रखना है, और इनकी शेप कैसे होते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये शेप देखो, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है, ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए कमेंट कर दिया करो, ठीक है। हमारा मकसद एंट्रेंस को क्रैक करना है, कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है ना, ठीक है। तो सो गाइस, ये जो शेप है इतना ही हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी है, अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाए, बनेंगे भी सही तो कितनी अच्छी बात है, बनेंगे 100% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो NH3CH3 का, देख सकते हो ट्राइगोनल पिरामिडल यहाँ पर दिया हुआ है, और H2O की बात करें कि H2O का शेप कैसा होता है, H2O जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इसका शेप कैसा होता है, तो इसका बेंट होता है, ठीक है, 104.5 डिग्री इसका बाउंडिंग एंगल होता है। नेक्स्ट PCl4 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, तो इसका शेप यहाँ पर दिया हुआ है, और इनका बाउंडिंग एंगल भी देख सकते हो, अगर पूछा जाए ना तो आप बता सकते हो 19-120। नेक्स्ट SF4 का जो शेप होता है वो किस प्रकार का होता है, SF4 का उसका होता है टेट्राहेड्रन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन इसका होता है SF4 का बाउंडिंग एंगल आप देख सकते हो। अब बात करते हैं CLF3 की, तो CLF3 का जो हमारा शेप होता है वो टी शेप्ड होता है, ठीक है, बाउंडिंग एंगल लेस देन 19। नेक्स्ट हमारा है XEF2L3-, इनका से स्लाइनर शेप होता है, ठीक है। SF6 का जो होता है वो है एक्टाहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट BRA5 का जो होता है वो है स्क्वायरल पिरामिडल, सबकी शेप यहाँ पर दी हुई है, और जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है XEF4, इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, तो आपके सामने सारी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। अब इसको लेकर कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो, ये तो चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ इनके बारे में लिखा हुआ है, और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बेशक अवेलेबल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में सिस्टम में स्क्रीनशॉट का तो ले सकते हो बेशक। अगर आपके कमेंट आएंगे तो इसको कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपके सेंड कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में होता है कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पर कोई भी पिक्चर में आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो होता है कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है ना, तो वहाँ पर सेंड कर दूँगा, अगर आपके कमेंट आएंगे तो ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, डिमांड करो जो आपको चाहिए, ठीक है, सब मिलेगा हमारे चैनल पर। तो चलते, ये तो मैंने वो जो क्वेश्चन आया था ना वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उसको लेकर कमेंट आए थे, सर इसका बताइए नो टेबल, तो इसलिए ये टेबल मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है, क्योंकि वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना था वो यहीं से बना था, ठीक है, यानी कि किस बंदे में, किस छात्र छात्रा में इस टेबल का कितना ज्ञान है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पर ये आपकी नॉलेज चेक कर रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि आकृति क्या होगी, कैसे होगी, तो सारा ज्ञान इस टेबल में छिपा हुआ है, यानी कि जिसको ये टेबल है वो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है ना। तो ये है गाइज सारा फंडामेंटल, और भी कुछ चाहिए तो बता देना, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो चलिए वापस अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है, चलते आ जाते अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। सो गाइज फाइनली हमने इसका पूरा फंडम जो था अंदर की स्ट्रक्चर पूरा फंडामेंटल समझ लिया है कि किसकी आकृति किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये है इसका चतुष्फलकीय होती है किसकी आकृति, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है।
तो चलते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब। सो गाय चलिए फाइनली हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है 200 तक हम कर चुके थे, ये नेक्स्ट है हमारा, और उसमें आपका डाउट आ गया तो मैंने क्लियर कर दिया। ऐसे कोई भी डाउट आ जाए तो पूछ लिया करो। हमारा जो क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? आपको चार ऑप्शन दिए गए, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित होती है बताना है आपको। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है इस लेयर में होता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? अमेरिका, भारत, चीन, जापान, बता दो। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हार्ड वाटर जो होता है ना उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो उसको निकालने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? जल का मर्दूकरण, फिल्ट्रेशन, अवसादन, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर केस भी कहते हैं यानी कि कहा जाता है? स्ट्रेंजर, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, जिनॉन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिनॉन। ठीक है नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती है, तब तो आप इजीली कर दोगे। आर्गन, हीलियम, रेडॉन, नियॉन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? सो सिंपल से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रेडॉन। ठीक है नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्गन। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? आपके जो बल्ब लगे हुए पिछले, अभी तो हमारे एलईडी वाले आ गए बट उससे पहले वाले आपने देखा होगा, तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती थी? हाइड्रोजन, रेडॉन, अक्रिय गैस या फिर ऑर्गन। सो सिंपल उसमें जो होती थी वो है अक्रिय गैस। ठीक है नेक्स्ट, मौसम विभाग संबंधी प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। गुब्बारों में भरने के लिए तो टिक लगा दिया आपने, चेक नाउ हीलियम। ठीक है हीलियम को भरा जाता है गुब्बारों में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? रेमजे, लॉकियर, सीले, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेमजे। ठीक है नेक्स्ट, भू प्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? एस्टेटिन, क्लोरीन, मैग्नीज, इनमें से कोई नहीं। भू प्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में, ठीक है ना, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एस्टेटिन। जिस जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका गलत था तो सिंपल सी बात है, पनिशमेंट यही है कि 2 से 3 बार वीडियो को देख लो। ठीक है चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ बिल्कुल, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है यानी कि हमारा जो स्टोमक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? HF, HI, HCl, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा क्योंकि आप साइंस के जो स्टूडेंट हो,
सो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? मोर्स अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल, ओलियम, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम लगा दिया होगा टिक, राइट ऑप्शन है इसका म्यूरेटिक अम्ल। ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल याद रख लेना, अगर पता नहीं है तो पूछा जा सकता है। वायुयानों के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एरोप्लेन जो होती है उसके टायरों में कौन सी उसमें भरा जाता है गैस? टिक लगा दिया, राइट ऑप्शन हीलियम, हीलियम को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्यतः निम्न में से किससे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, ये सभी। सो इसका राइट ऑप्शन हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला है? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा? बिटुमिन, पीट, लिग्नाइट, कोयला, बताइए। नॉर्मल किस्म का आपको बताना है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? आसवन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तभी तो आपसे बोला जाता है कि ये जो वनस्पति घी होता है हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं होता है, हेल्थ के लिए बुरा होता है। वनस्पति घी अगर खाना है तो देसी घी खाओ। ठीक है, और देसी घी बहुत ही कम अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, तो ज़्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर क्या है, आर्टरीज है, बहुत सारी वेंस है, तो ये ज़्यादा घी भी क्या होता है, अगर आप खाते हो तो इनमें जमा होता जाता है। ठीक है ना, जमा होता जाता है तो क्या होता है, हमारा जो हेड है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा, इस पर देखो हमारा जो हद है, इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, खून की ज़रूरत होती है, तो इस पर नलियाँ फ्री हुई है बहुत सारी, दो तीन ऐसे करके। तो मान लो इनकी नलियों में अगर कोई भी घी वी का कोई भी फैट जमा हो गया, तो अगर ये ब्लॉकेज हो गई तो सीधा हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, तो इसलिए फैट वाले में ज़्यादा हार्ट अटैक के चांस होते हैं। और एक बार जिसको हार्ट अटैक हो गया तो उसको घी तेल खाने से मना कर दिया जाता है, यही कारण है उसका। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप, चलते आगे। और बारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक, ईंधन, शीतलक, अयस्क। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंदक है जी। ठीक है, बारी जल क्या है? मंदक। अगला जो क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का मूल तत्व क्या है जो कंपलसरी है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है, चारकोल, कोयला, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट है जी। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, डेवी, प्रिस्टले, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन की खोज राइट ऑप्शन प्रिस्टले ने की थी, ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, चारकोल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? बहुत अच्छा, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप, उष्मीय ताप, कैलोरीमान, ये सभी। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
ज्वलन ताप। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन, विस्फोट दहन, द्रुत दहन, शवद दहन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मंद दहन। नेक्स्ट, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट, बिटुमेन, पीट, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल, गैस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जीवाश्म ईंधन है, तब तो आप सही कर दोगे इसको। टिक लगा दिया, चेक नाउ, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी के सभी जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जल गैस हो गया, ये जीवाश्म ईंधन है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? रेडियम, थोरियम, हीलियम, यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। ठीक है, बाकी के सभी रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ईंधन तत्व है जी। चलते आगे, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषक फैलता है? हाइड्रोजन, डीजल, कोयला, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है आपका, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? सोडा अम्ल, पाउडर, झाग, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका झाग। वायु से हल्की गैस कौन सी गाइस? प्रोपेन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया। वायु से हल्की होनी चाहिए, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनिया। अमोनिया जो है वायु से हल्की गैस है। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण पीवी इजल टू एनआरटी में आर क्या सूचित करता है? ये क्वेश्चन तो सबको पता होगी, तो इसमें आर क्या है, साथ में सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, पीवी क्या है, एनआर क्या है, टी क्या है। ठीक है, एक ग्राम गैस को सूचित करता है, या फिर एक मोल गैस को, या फिर एक लीटर गैस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आर किसको इंडिकेट करता है? पीवी इजल टू एनआरटी तो सबने पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें आर क्या है? टिक लगा दिया, चेक नाउ, एक मोल गैस को इंडिकेट करता है आर। ठीक है, किसको? एक मोल गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फेराडे का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे-लुसाक का नियम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फेराडे का नियम। अगला आपका, एडजस्ट नाउ एंड भिन्न भिन्न नियम ताप पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आर्क्टिक चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स, आइसोकोर्स, आइसोकर्वर्स, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइसोथर्मल्स। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, मोल की संख्या पर, दाब पर, तापमान पर, बताइए। आदर्श गैस की ऊर्जा, टिक लगा दिया, चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोल की संख्या पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो नियम, इनमें से कोई नहीं।
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवगाद्रो नियम। अगला है उत्प्रेरक की खोज किसने की, रदरफोर्ड, लुइस, बर्जिलियस, कॉसले। उत्प्रेरक की खोज, टिक लगा दिया, राइट ऑप्शन बर्जिलियस। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, मेयर ने, मेंडलीव ने, डोबेसनर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस डोबेसनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडलीव, डोबेसनर, रदरफोर्ड, न्यूलेट्स। टिक लगा दिया, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डोबेसनर। अगला क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, मेयर, न्यूलेट्स, मेंडलीव, डोबेसनर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूलेट्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रदरफोर्ड, लुइस, मेंडलीव, इनमें से कोई नहीं। कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मेंडलीव ने। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो सबको आना चाहिए, लोहा, सीसा, सोडियम, तांबा, सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन सोडियम। ठीक है, अगला है आपके सामने साधारण नमक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं, सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ईजी क्वेश्चन भी आते हैं देखो और हार्ड भी आते हैं, तो हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ड की और ईजी की। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला। ठीक है, NaCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट, पता होना चाहिए गाइस ये वाला। अगला क्वेश्चन है निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर सोडियम बाय कार्बोनेट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में अस्थलीकरण करके रूम में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। अगला है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, लोहा। कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम, ये अपने ही ऑक्साइड से रक्षित रहती है। अगला है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाती है, कोल गैस, प्रणोदक, कॉक, बायोमास। रॉकेट में चलाने में बताइए गाइस, देखो हर चीज़ को चलाने के लिए अलग अलग ईंधन प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर रॉकेट पूछ लिया, कौन सी ईंधन इसमें यूज होती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रणोदक। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है, कोयला, केरोसिन, हाइड्रोजन, डीजल। टिक लगा दिया, चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, गैस, टॉस, द्रव, एगोल, बताइए। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर उसमें तो हम जैसे ही कोई सिलेंडर है
आपके घर में भी सिलेंडर होगा, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हमारा जो सिलेंडर है उसमें तो हम जैसे कोई पिक करते ऊपर से तो गैस निकलती है, ठीक है। बट गाइज ये जो आपका सिलेंडर है ना घर पे जो प्रयुक्त हो रहा है जिसमें आप खाना बनाते हो, इसमें क्या होता है, इसमें जो अंदर भरा जाता है वो तो लिक्विड ही होता है पूरा पूरा पानी जैसा। वो तो गैस तो क्या है जैसे बाहर निकलती है ना यहाँ गैस में रूपांतरित हो जाती है और आपके स्टोव जो चूल्हा है वहाँ पर गैस के रूप में प्रकट होती है, ठीक है। भरी हुई ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर बहुत सी जगह आपको देखना है तो बहुत सी जगह होटल पर आपने देखा होगा इस प्रकार की अगर कोई नलिका जारी रहती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी दिख जाती है आपको लिक्विड फॉर्म में, यहाँ यहाँ तक ही दिखती है फिर वो गैस में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है कि इसमें गैस ही भरा रहता है तो ये गलत है, लिक्विड फॉर्म में भरी रहती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। तो आज से सभी को बोल देना कि लिक्विड फॉर्म में भरी होती है सिलेंडर में अंदर गैस, बाहर निकलने के बाद ही गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांतों की प्रकृति कैसी होती है, दांतों की प्रकृति उदासीन विद्युत ऋणात्मक विद्युत धनात्मक इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धनात्मक, ठीक है। चलते हैं आगे को, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन टॉस नहीं है, पोटेशियम पार्षद सोडियम ये सभी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन टॉस है तब तो काम बन जाएगा। सो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्षद यानी कि पारा जो कि एक द्रव है, ठीक है, बाकी के सब टॉस है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्षद, ठीक है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अवयव कौन सा है, लिग्नाइट बॉक्साइट डोलोमाइट कॉपर, टिक लगा दिया, चेक नाउ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पित्तल स्टील तांबा इनमें से कोई नहीं। चूज योर वन ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा, एक मिश्र धातु नहीं है। निम्न धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन है, सोना सिल्वर सीसा लोहा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सीसा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में सबसे भारी धातु है, चांदी तांबा एल्यूमिनियम यूरेनियम। यूरेनियम, ठीक है, सबसे भारी हैवी मेटल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है, राख जिप्सम चूना पत्थर मेटिया। राइट ऑप्शन चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठन है। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, कैल्शियम कैलिफोर्नियम कार्बन सोना। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, राइट ऑप्शन कैलिफोर्नियम। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना चांदी तांबा, सिंपल सी बात है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्थाओं में ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है, महंगी धातु है। निम्न में किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिघल जाती है, गैलियम सोडियम पोटेशियम इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गैलियम, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम बताना है आपको गाइस, ये अक्सर क्वेश्चन बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम, वॉशिंग सोडा सोडा एस बेकिंग सोडा इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है जिस जिसको पता है बहुत नहीं है वो बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम क्या होता है गाइस, मैंने बोला था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये से रासायनिक नाम वाणिज्य नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और किस प्रकार से बनता है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज
इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया और हमने जो संरचना थी मॉलिक्यूल की उसको भी समझ लिया, ठीक है। इस प्रकार कोई भी चीज़ की अगर आपकी डिमांड रहती है तो उसको मैं सोल्व करवा दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो कीजिए कमेंट, आपको किसकी नीड है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, वो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश वालों के लिए जो हमारा जेक लोन जॉब चैनल है वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आपको हार्मोन का, विटामिन का, फिजिक्स के क्वेश्चन चाहिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ सीधे, वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अधिक मिल जाएंगे। और वीडियो रोजाना अवेलेबल होता रहता है इस पर आपको, ठीक है। तो अगर कोई भी मिस कर दिया हो तो उसको देख सकते हो आप चैनल पर जाके, ठीक है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, वहाँ से चूज कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।